हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के बारे में। तो चलिए चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है। सी, इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एज फॉलो। तो चिल्ड्रन, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? जब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपना कमोडिटी को जब सेल करता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। एक बात समझ में, जहाँ पे इंडिविजुअल सेलर या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कमोडिटीज को सेल करता है, ठीक है। अब इसे हम शेड्यूल और डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहला आता है शेड्यूल। सी, ये रहा ये शेड्यूल, जो ये इमेजिनरी शेड्यूल है चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या बताया गया कि जब शुगर 10 रुपीज था तो उसका सप्लाई कितना था, 100 kg। फिर जब प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो सप्लाई भी बढ़ गया, ठीक है, प्राइस और बढ़ गया, 30 रुपये हो गया, सप्लाई और बढ़ गया। इसी तरह से चिल्ड्रन ये पूरा शेड्यूल बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए चिल्ड्रन अब इसका डायग्राम समझ लेते हैं हम। सी, ये देखिए चिल्ड्रन, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आएगा सप्लाई और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे आएगा प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। तो चलिए, क्या बताया गया कि जब प्राइस 10 था तो सप्लाई कितना हो गया, 100, मतलब जब प्राइस 10 था तो सप्लाई कितना हो जाएगा, 100, मतलब यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है, ओके। उसके बाद जब प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो देखो, प्राइस कितना हो गया, 20, सप्लाई हो गया 200। सी, जब प्राइस हो गया 20 तो सप्लाई भी हो जाएगा हमारा 200। आई बात समझ में, देखिए कुछ यहाँ पे आएगा इस तरह से। जब प्राइस और बढ़ गया 30, सप्लाई कितना हो गया, 300, मतलब प्राइस बढ़ गया 30 तो सप्लाई हो गया हमारा 300, करीब करीब यहाँ पे कुछ आएगा इस तरीके से, है ना। उसके बाद प्राइस बढ़ गया 40 और सप्लाई हो गया हमारा 400, मतलब प्राइस बढ़ गया 40 और सप्लाई हो गया 400, करीब करीब यहाँ पे कुछ आएगा इस तरीके से, है ना। उसके बाद लास्ट में हमारा प्राइस बढ़ गया 50 और सप्लाई कितना हो गया, 500, मतलब प्राइस बढ़ गया कुछ 50 और सप्लाई बढ़ गया कुछ हमारा 500, करीब करीब इधर आएगा। आई बात समझ में। तो हमने क्या देखा चिल्ड्रन कि हमारा जो कर्व है, ये देखिए, जो रेड में जो था, ये सप्लाई कर्व बोलते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो कैसा गया, नीचे से ऊपर गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में। तो उसका मतलब क्या हुआ, सी, फ्रॉम द अबव शेड्यूल एंड डायग्राम इट इज ऑब्जर्व दैट लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाई एंड वाइस वर्सा, थस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो चिल्ड्रन, इस शेड्यूल और डायग्राम से हमने ये सीखा कि अगर प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम था, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो देखो सप्लाई भी यहाँ पे बढ़ गया। आई बात समझ में। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्लियर हो गया। मतलब जब भी हमारा जो सप्लाई कर्व है अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब भी हमारा कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसे डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में हुआ, प्राइस के बीच में हुआ और सप्लाई के बीच में हुआ। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। सी चिल्ड्रन, हमने चैप्टर 3A में क्या देखा था कि इंडिविजुअल डिमांड में क्या देखा था कि वो डाउनवर्ड आता था, हमारा जो डिमांड कब था वो डाउनवर्ड आ रहा था। तो जब भी डाउनवर्ड आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप। आई बात समझ में। लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये देखिए जो हमारा सप्लाई का वे कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। आई बात समझ में। सो इंडिविजुअल सप्लाई में हमने देख लिया कि इंडिविजुअल सप्लाई में जो है प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब चलिए मार्केट सप्लाई के बीच में देखते कि मार्केट सप्लाई के बीच में क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के बीच में, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं मार्केट सप्लाई के बीच में। मार्केट सप्लाई क्या होता है? सी, मार्केट सप्लाई इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द क्वांटिटी सोल्ड बाय ऑल सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एज फॉलो। सी चिल्ड्रन, अब इंडिविजुअल सप्लाई में हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअल किस तरह से अपने गुड्स को सप्लाई करता है। यहाँ पे मार्केट सप्लाई में हम देखेंगे कि जितने भी मार्केट में सेलर है वो अलग अलग कमोडिटी में किस तरह से अपने गुड्स को सेल करते हैं। आई बात समझ में। तो इसे भी हम शेड्यूल और डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी, ये रहा हमारे लिए शेड्यूल। देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ शुगर है, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी, ये उन सब की सप्लाई है। आई बात समझ में। और लास्ट में टोटल सप्लाई निकली ये सारे सेलर को प्लस करके, क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब इसको हम डायग्राम में समझते हैं। सी, एक्स एक्सिस पे हमारा सप्लाई हो गया, वाई एक्सिस पे हमारा क्या आ गया, प्राइस ऑफ शुगर। सी, जब हमारा प्राइस 10 था तो हमारी सप्लाई कितनी थी, 600, मतलब जब प्राइस 10 तो सप्लाई हो गई 600, करीब यहाँ पे आएगा। उसके बाद जब प्राइस 20 हुआ तो सप्लाई हो गई 900, प्राइस 20 हुआ तो सप्लाई हो जाएगा 900, ओके। उसके बाद जब प्राइस हमारा 30 हुआ तो हमारा सप्लाई कितना हो गया, 1200, जब प्राइस हमारा 30 हुआ सप्लाई कितना हो गया, 1200। उसी तरह से 40 पे कितना हो गया, 1500, मतलब 1500 40 पे करीब करीब यहाँ पे आएगा,
है ना। उसके बाद 50 पे हमारा जो सप्लाई हो गया 1800, मतलब 50 पे हमारा सप्लाई कब हो गया 1800। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो चिल्ड्रन यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि हमारा जो सप्लाई कब है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो कुछ इस तरीके से, आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। देखो, फ्रॉम दी अबव शेड्यूल एंड डायग्राम इट इज़ ऑब्जर्व दैट लोअर द प्राइस लोअर द क्वान्टिटी सप्लाई एंड वाइस वर्सा, थस देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाई। तो यहाँ पे भी हमने यही देखा कि जब हमारा प्राइस कम था तो देखो सप्लाई भी कम है, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया तो हमारा सप्लाई भी बढ़ गया, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई कब है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है किसके बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में, आई बात समझ में चिल्ड्रन। लेकिन मान लो अगर आपका सप्लाई कब या आपका सॉरी डिमांड कब अगर आपका नीचे की तरफ आता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सप्लाई कब आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, आई बात समझ में। तो चिल्ड्रन इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई से हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा चिल्ड्रन कि चाहे इंडिविजुअल सेलर बेचे या पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं वो जितने भी सेलर है वो सब बेचे, वो किस तरीके से बेचेंगे, अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो उनकी सप्लाई भी वो बढ़ने ज़्यादा बेचने की ही सोचेंगे, आई बात समझ में। अगर वो अपना प्राइस बढ़ाएंगे तो वो लोग यही चाहेंगे कि उनके जो गुड्स है वो भी ज़्यादा बिके, क्यों, बिकॉज सबको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। कोई यही नहीं चाहेगा कि अगर प्राइस बढ़े तो मैं अपनी सप्लाई को कम कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा, यही बात समझ में, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ता है और डिमांड कम हो जाता है चिल्ड्रन, तो ऐसे को बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन देखिए प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है और सप्लाई भी हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो सप्लाई का ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाता है हमारे लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप, आई बात समझ में। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय।